नमस्कार साथियों, आज है 11 सितंबर। तो 11 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पेन पेपर मोड पर दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। नीट यूजी 12 सितंबर को आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे प्रवेश। परीक्षार्थी को निःशुल्क यात्रा सुविधा दीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें आपको फ्री सेवा दी जाएगी बसों की। 13 से 15 सितंबर जो 2021 एसआई का पेपर होना है उसके लिए ग्राम पंचायत सहायक को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भेजने पर है रोक। जारी की गई तबादला सूचियों की होगी मान्य। शिक्षा विभाग निरस्त हुए 3000 से अधिक तबादले फिर प्रभावी। राजस्थान में अगले सत्र से बढ़ सकती है MBBS की 300 और सीटें। श्रीगंगानगर चित्तौड़गढ़ धौलपुर में अगले साल से शुरू होंगे नए मेडिकल कॉलेज। जयपुर में बेरोजगार युवकों का बेमेदी धरना वो शुरू हो रखा है। वहाँ पर मूल्यांकन परीक्षा दिलाने तक ही सीमित रह गया साक्षरत का अभियान। प्रेरकों को हटाने के बाद नए कक्षाएं लगी, नए वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण है वो दिया। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरणों की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। गुरुजी घर आकर ले रहे हैं परीक्षा। सरकारी स्कूल में प्रथम प्रक शुरू। प्रतीक्षा सूची अनलॉक। 1385 से अधिक बेरोजगारों की खुली नौकरी की राय। 2016 ने 2021 में पूरी की अरमान। एक ही दिन होगी परीक्षा फैसला जल्द। आयोग को मिले हैं 650,000 फॉर्म। 2021 अजमेर पुलिस ने गिरोह पकड़ा। नीट और जेईई में फर्जी परीक्षार्थी बिठाने के लेते थे 30 लाख रुपए। कोटा जयपुर दिल्ली से 3 आरोपी गिरफ्तार। जारी की गई तबादला सूची भी होगी मान्य। शिक्षा विभाग निरस्त हुए 3000 से अधिक तबादले फिर प्रभावी। फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन लेने के मामले में 31 साल बाद आया फैसला। नीट के परीक्षा केंद्रों पर किए जाएंगे कड़े इंतजाम। फर्जी दस्तावेजों से प्रवेश देने के 31 साल पुराने मामले में भरी। अभ्यर्थी हो जाए तैयार। आ गई है RPSC की इंटरव्यू डेट है वो आ गई है RS के लिए। सुखाड़े विश्वविद्यालय स्थगित परीक्षाओं का नवीन तिथियां वो घोषित कर दी गई है। आज के समाचार यहीं से। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।